तो अब इस शीट में देखें क्या हो रहा है कि हमने एक डेली लेजर बनाया हुआ है। अच्छा, लेजर क्या होता है? लेजर अकाउंट्स की टर्म में एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हम जो भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है ना, वो परफॉर्म, जो भी परफॉर्म होती है एक्टिविटी, वो उसके अंदर हम नोट करते हैं। खाता तो नहीं कह सकते उसको, हम कह सकते हैं डेली। हाँ, मतलब कहने का लेजर एक ऐसा रजिस्टर होता है, मैंने आपको बता रहा हूँ, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी होगी उसके अंदर नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। उचंती खाता कहते हैं इसको उर्दू में। क्या कहते हैं? उचंती खाता। तो अब इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे भाई बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है? बिजनेस एक्टिविटी ये होती है, या तो आप कोई प्रोडक्ट देंगे उसके अगेंस्ट पैसे लेंगे, या कोई आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके अगेंस्ट पैसे देंगे, या किसी को प्रोडक्ट देंगे क्रेडिट में, या किसी से प्रोडक्ट लेंगे क्रेडिट में, ठीक है, कैश एक्टिविटी होती है। और इस तरह की जितनी भी रिकॉर्ड करनी है चीजें, मतलब इन एंड आउट्स, डेबिट एंड क्रेडिट्स की जो भी एंट्रीज हैं, वो इस लेजर में हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इसका बहुत सिंपल फॉर्मेट है। अब इसके अंदर एडिशनली जो चीजें आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा जय श्री ने कि भाई वो ड्यू डेट की एंट्री कैसे करेंगे, चेक, तो चेक ड्यू डेट लिख दें यहाँ पे कि वो किस तारीख को देगा, बस, ठीक है। जितनी तफसील डालना चाहते हैं वो उतने आप कैटेगरीज बना सकते हैं। ये उसकी बेसिक फॉर्म है। और जब कभी आप अपने बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे ना अकाउंट की, इजी पैसा की, जेस केश की, सादा पे की, पेपाल की, हबीब बैंक की, तो वो आपको इसी तरह की एक शीट पर आपके जितनी अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स होंगे ना, अब ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, नहीं, जो भी बिजनेस के अंदर लेन देन, बिजनेस के अंदर जो लेन देन होता है पैसे के अलावा प्रोडक्ट का भी, तो उस लेन देन को हम कहते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो और उसी को बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस शीट के अंदर हमने क्या किया, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। इसमें देखें, एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, तो 1 फरवरी 2024 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, डेट हमने यहाँ मेंशन करी, और उस दिन हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस मतलब जब मैं बिजनेस पर आके बैठा या जब वो मैंने एक्टिविटी शुरू की, तो उस वक्त मेरे पास इन हैंड या मेरे गल्ले में या मेरे तिजोरी में या वो जो भी था, उस वक्त मेरे पास कितने पैसे थे। वो अमाउंट जीरो भी हो सकता है, वो अमाउंट 1 रुपया, 1,000 रुपए, 1 लाख, 1 करोड़ जो भी था। तो भाई उस वक्त मेरे पास थे 1,000 रुपए। आज जब मैंने कोई अपना कारोबार शुरू किया, कोई एक्टिविटी शुरू करी, तो मेरे पास 1,000 रुपीज थे, ठीक है। तो उसी दिन फिर मुझे और पैसे मिले, तो मैंने लिखा कैश रिसीव्ड। यहाँ पे हम तफसील लिखेंगे और कितने पैसे मिले, जो भी पैसे मिले वो हमने यहाँ पे दर्ज कर दिए। मिसाल के तौर पे हमें 10,000 रुपीज मिले, ठीक है, अभी कैश मिल रहा है। फिर मुझे और पैसे मिले, अब मैंने यहाँ पे समझाया कि कैश मिले, अब ये एक अधूरी एंट्री है, जैसे आपने कहा ना वो तो बताते ही नहीं है, एक अधूरी एंट्री। अधूरी एंट्री क्या है, आपने इसमें बताया नहीं कि पैसे किससे मिले, तो मैंने उसको क्लियर किया अगले लाइन पे, कैश रिसीव फ्रॉम हम्माद, भाई हम्माद से पैसे मिले, करीना से मिले, जयश्री से मिले, और ज्यादा एक्स वाई जेड को एंड कंपनी से मिले, किसी कंपनी को पैसे दिए थे उससे मिले, या अब कैश नहीं मिला आपको, क्रेडिट चेक मिला है तो चेक रिसीव हुआ, उसकी एंट्री भी आप इसमें इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो अब वो जो एंट्री हुई वो 5,000 रुपए मिल गए यहाँ से। फिर आपने सामान खरीदा, अब यहाँ में मैंने एक सिंपल सी एंट्री कर दी, परचेज गुड्स। अब परचेज गुड्स की एक एंट्री है, यहाँ लिखा सामान खरीदा। अब यहाँ पे और तफसील में लिख सकते हैं क्या सामान खरीदा आपने, जो भी सामान आपने खरीदा वो लिखा। अब आपके पास से पैसे चले गए, तो पैसे चले गए तो यहाँ पे आपने क्रेडिट सेक्शन में उसकी एंट्री कर दी, सामान आ गया और पैसे चले गए। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन चलती रहेगी। लाइट का बिल आ गया 2,000 रुपए, क्रेडिट हो गए। गैस का बिल आ गया 600 रुपए, क्रेडिट हो गए। क्रेडिट मतलब जो आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं आपके, ठीक है। वो आपने पेट्रोल डलवा दिया, 500 रुपया खर्चा हो गया। फिर पैसे मिल गए, फिर आपने डेबिट में एंट्री कर दी। एक तारीख में कितनी एंट्रीज हो सकती है, एक ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, लाखों भी हो सकती है, लेकिन एक रो में एक ही एंट्री परफॉर्म की जाएगी, आइदर वो डेबिट की होगी, आइदर वो क्रेडिट की होगी। अगर सारी डेबिट की है तो भी ठीक है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की एंट्री एक साथ नहीं की जाएगी। अगर दो ट्रांजेक्शन हुई, पैसे मिले और किसी को माल दिया, तो पैसे वाली एंट्री पहले हम कर देंगे भाई डेबिट में, और अगली लाइन पे फिर एक उसकी क्रेडिट की एंट्री करेंगे। तो इस तरह हमारी पूरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन डेट वाइज, टाइम वाइज स्टोर होती जाएंगी। ये हो गया बुक कीपिंग का काम, इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को सही तरीके से लिखना। अब ये दिन से
हफ्ते हफ्ते महीने में महीने सालों में कन्वर्ट होते जाएंगे और आपका पूरा बिजनेस का चार्ट आपके सामने, चार्ट सॉरी बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है, एक एक ट्रांजेक्शन आपके सामने इस तरह से रिकॉर्ड होके स्टोर होती जाएगी। जी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं, अब हम आ रहे हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ जो है बैलेंस। ये शीट आपको हेल्प करेगी एक फॉर्मूले की मदद से कि आपको पर एंट्री के ऊपर आपका बैलेंस भी बताएगी, मतलब वेदर वी आर हम किसी पैडी पर बैठे हैं, हम किसी दुकान में बैठे हैं, हम ऑनलाइन काम करते हैं, हमारा ऑनलाइन स्टोर है, हम ऑनलाइन करते हैं काम, दुकान पे करते हैं, रेडी पे करते हैं, हम अपना खाता बना रहे हैं और इसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना भाई, जब ये सामान बेचा पैसे आए तो अब मेरे गल्ले में कितने पैसे हैं, हाउ मेनी अमाउंट इन माई अकाउंट और इन माई, देखो गल्ला हम कहते हैं उसी को, नया अकाउंट को ही गल्ला कह रहे होते हैं, अगर वो बैंक अकाउंट है और अगर वो मोबाइल अकाउंट है तो वो डिजिटल अकाउंट हो गया, वो हमारा बैंक अकाउंट हो गया, और एक जो गल्ला दुकान पर पड़ा होगा वो भी हमारा अमाउंट रखता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें कितने पैसे हैं, तो उसके पैसों को निकालने का तरीका ये है कि आप पहले सेल पर आके कहेंगे इक्वल, और पहले वाले भले इसमें 1 रुपया है, 0 है, 0 की एंट्री भी करनी है, 1 रुपए की एंट्री भी करनी है, 1 लाख की एंट्री भी करनी है, तो इक्वल कर देंगे सेल का, तो उस सेल की जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, इक्वल का मतलब ये होता है। फिर सेकंड रो पर आके हम कहेंगे यहाँ पे अगर आप ऑटो सम यूज करते हैं ठीक है, और अगर आप इक्वल भी यूज करेंगे तब भी चलेगा, ये सम का शॉर्ट फॉर्म। तो सेकंड रो का जो डेबिट वाला सेल है उसमें से आप माइनस करेंगे सेकंड रो के क्रेडिट वाले सेल को और उसको प्लस करेंगे फर्स्ट रो के बैलेंस वाले सेल के साथ, ठीक है। सेकंड रो के डेबिट वाले सेल को माइनस करेंगे सेकंड रो के क्रेडिट वाले सेल के साथ और प्लस करेंगे फर्स्ट रो के डेबिट बैलेंस वाले सेल के साथ और उसको एंटर करेंगे, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर जब आप थे तो आपको इस वक्त 1,000 रुपए थे आपके पास, और जैसे ही बंदा आया आपको 10,000 देकर गया तो अब आपके अकाउंट में 11,000 रुपए थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना और इस एंट्री को ऐसे करके ड्रैग कर देना है जहां तक आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है वहां तक, ठीक है। तो ये आपको हर ट्रांजेक्शन पे बैलेंस अपडेट करेगा। जी जी हाँ, और प्लस प्रीवियस बैलेंस, ठीक है। अब उसको जब हमने ड्रैग किया तो जब हमें 5,000 रुपये हमारे से मिले तो हमारा बैलेंस अपडेट हो गया 16,000 रुपये। फिर हमने कुछ और सामान खरीदा तो 5,000 खर्च हो गया, तो दोबारा हमारा बैलेंस हो गया। फिर हमने खाने की चीज खरीदी तो हमारा बैलेंस ये रह गया। फिर हमें 4,000 रुपये मिले हसनैन से, तो ये अब हर ट्रांजेक्शन पे आपका पैसा अपडेट होता जा रहा है और यहाँ पर आपको पता चलता जा रहा है। फाइनली आज जब आपने क्लोजिंग करी तो आपके गले में 9,400 रुपए, ठीक है। भले कोई भी फूड पांडा हो जाए, तांजो पांजो कारोबार आ, तांजो नंडो वड्डो केड़े भी लेवल के बिजनेस है, ये तो बिजनेस एक्टिविटीज में सब शेम अच्छी मिलती है ना। हाँ किस पे, ये तो एक ही दिन की एंट्री है ना, अगर हम मजीद तारीख बदल बदल के एंट्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये एंट्रीज जो हैं वो होती जाएंगी। इसमें क्या है, आज की इतनी एंट्री, कल की दूसरी एंट्री, परसों की दूसरी एंट्री, डेली बैठेंगे तो डेली एंट्री। हाँ वही करेंगे, नहीं बैलेंस तो आपका अपडेट होता रहेगा यहाँ पे।